हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, जिन जिनने भी IRM IPO में अप्लाई किया था, तो इसकी जो अलॉटमेंट डेट थी वो चेंज हुई है यहाँ पर। और आप देखेंगे 27 तारीख को इसका बेसिस अलॉटमेंट यहाँ पर आने वाला था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका अलॉटमेंट आ चुका है। तो आपको कहाँ देखना, किस तरीके से देखना, वो भी मैं बता देता हूँ। उससे पहले आपको इसका GMP देखना होगा कितना चल रहा है। तो उसके GMP की बात करें तो लगभग 45 रुपीज़ के आसपास का इसका GMP यहाँ पर चल रहा है। अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख लीजिए मेन लाइन IPO। तब देखिए 45 रुपीज़ के आसपास का GMP यहाँ पर चल रहा है और 505 रुपीज़ का प्राइस है और 29 शेयर्स का ये लोट है फ्रेंड्स। तो 29/45 अगर आप करते हैं एक लोट के लिए, अगर आपने यहाँ पर अप्लाई किया होगा, तो लगभग 1300 रुपये के आसपास के लिस्टिंग गेंस मिलते हो दिख रहे हो। जिस तरीके से मार्केट क्रैश हो रहा है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि 9% का लिस्टिंग गेंस है, कहीं ना कहीं 5% के आसपास आ सकता है। तो दोस्तों, किस किस को अलॉटमेंट मिला ये तो रही बात की बात, और यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस भी काफ़ी कम लग रहे हैं क्योंकि सब्सक्राइब अच्छा खासा ये हो गया था। तो अब आपको बात आ जाती देखना कहाँ है अलॉटमेंट। तो आपको अपने ब्राउजर पर आना, वहाँ पर लिखना लिंक्डइन टाइम अलॉटमेंट स्टेटस। तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं अपडेट हो गया IRM एनर्जी IPO लिमिटेड। अगर नहीं दिखता तो इस एरो पर क्लिक करके आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, नीचे अपना पैन नंबर डाल सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन नंबर द्वारा चेक करते हैं तो एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए, या DP क्लाइंट ID जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वही नंबर आपको यहाँ नीचे डालना पड़ेगा। तो अभी मेरा पैन नंबर पर सिलेक्ट है, तो मुझे यहाँ पर एंटर पैन नंबर मांग रहा है। डालने के बाद सर्च वाले बटन पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो जाता है, उसके अंदर मेरे नाम के साथ पैन नंबर के साथ मैंने कितने लोट के लिए अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर उसमें से मुझे कितने लोट अलॉट हुए हैं और कितने शेयर्स मिले हैं, उसमें सारी की सारी डिटेल्स में जानकारी आपको इस वेबसाइट पर बड़ी आसानी के साथ में मिल जाएगी। तो दोस्तों, किस किस को अलॉटमेंट मिला है और किसका पैसा अनब्लॉक अभी तक नहीं हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स।